हेलो बच्चों वेलकम टू गो लॉन आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर फोर क्लास फाइव का ये चैप्टर है इसके पहले जो तीन चैप्टर है वो हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है उसे भी आप ज़रूर देख लें आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट टू द मेनी वेज ऑफ लिविंग चैप्टर का नेम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द दंगो चैप्टर फोर है ये क्लास फाइव का तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या आज हम देखने वाले हैं चलिए देखते हैं Equatorial region of the world, geography, land and location, climate, vegetation, wildlife, people, food and crops, minerals and industries, transportations. Unit two the many ways of living The Democratic Republic of the Congo The Democratic Republic of the Congo is a country located in Central Africa. this chapter can name hai, the Democratic Republic of the Congo. ये किसका नाम है एक कंट्री का नाम है जो कहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री का नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इसी देश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इस देश में क्या है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं यहाँ का खान पान कैसा है इन्हीं के जीवन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विद द इक्वेटर पासिंग थ्रू इट ये जो सेंट्रल अफ्रीका है यहाँ से इक्वेटर पास होता है इट इज़ दर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया इन अफ्रीका ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है ज़मीन के मामले में अगर लैंड एरिया के मामले में आप देखिएगा तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ दि कॉन्गो फॉर्मली नॉन एज द बेल्जियन कॉन्गो बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस और इसके आज़ादी से पहले इसका नाम बेल्जियन था बेल्जियन कॉन्गो इट वॉज रिनेम्ड जायरा इन नाइनटीन सेवेंटी वन और इसका पहला नाम जयरा था जो नाइनटीन सेवेंटी में इसे रखा गया था लेटर इन नाइनटीन 1997 द कंट्री वॉज अगेन रीनेम्ड फॉलोइंग द फर्स्ट कॉन्गो वार एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो उसके बाद नाइनटीन में इस कंट्री को फिर से इसका नाम बदलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो रखा गया इट्स कैपिटल इज खिन इसका इसकी जो राजधानी है वो खिन है देखिए ये है कांगो यहाँ पर ये यह अफ्रीका यहाँ पर पास हो रहा है इक्वेटर से पास हो रहा है यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दंगो अब हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी लैंड एंड लोकेशन क्या क्या वहां पर उपस्थित उपकरण हैं, जो उस देश के वासियों के लिए मददगार साबित होता है देखिए यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यह नक्शा है देखिए उसका एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन जैसा कि आप हम लोग जानते हैं इक्वेटर से पास हो रहा है तो इक्वेटोरियल रीजन में ये बिलोंग करता है क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो यहाँ का जो मौसम है इक्वेटर से पास हो रहा है तो जनरली यहाँ पर गर्म क्लाइमेट होगा थ्रू आउट द ईयर पूरे साल यहाँ बहुत गर्मी रहती है द एरियाज़ कवर्ड बाई वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट विच आर वेरी डेंस और ये जो कंट्री है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट से कवर है जो बहुत ही घना जंगल है उसी से यह कवर है कवर्ड है रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो किससे कवर है रेन फॉरेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट दुनिया का जो है उसी से यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो कवर्ड है द कांगो रिवर फ्रॉम विच द कंट्री ड्राइव्स इट्स नेम इज दिस सेकेंड लिविंग्स स्टोन फॉल्स विक्टोरिया फॉल्स अस्टेनली फॉल्स एंड द इंगा फॉल्स और विच द विक्टोरिया फॉल्स इज द दाइस्ट कुछ आ, बहुत ही मशहूर झरनाएँ हैं जिनका नाम है लिविंग्स असटोन फॉल्स विक्टोरिया फॉल्स अस्टेनली फॉल्स एंड इंगा फॉल्स जिसमें से जो ये विक्टोरिया फॉल्स है विक्टोरिया फॉल्स सबसे बड़ा है लोकेटेड इंटायरली द दंगो रिवर बेसिन और ये जि, जितनी भी फेमस वाटर फॉल्स हैं वो कितने कहाँ पर स्थित हैं कॉन्गो रिवर के बेसिन जितनी भी घाटियां हैं कॉन्गो रिवर के पास उन्हीं के अंतर्गत इतने सारे वाटरफॉल्स आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज बाउंडेड बाई नाइन अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो ये देश है कौन सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ये नाइन इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है मतलब फ्री है इंडिपेंडेंट है वो नाइन देशों से घिरा हुआ है टू इट्स वेस्ट इज द रिपब्लिक ऑफ कांगो वाइल उगान्डा अगर आप देखिएगा जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसके वेस्ट में कौन सा देश है जैसे यहां पर कहा गया है किन्ट्रीज है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो से घिरे हुए हैं तो वेस्ट में कौन सा है युगांडा बुरुंडी तंजानिया एंड रवांडा आर इट्स आर टू इट्स ईस्ट देखिए युगांडा जो है टू इट्स वेस्ट इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिन लुगांडा वेस्ट। वेस्ट युगांडा है बुरंडी है और तंजानिया है लेकिन रवांडा कहाँ पर है ईस्ट साइड में वेस्ट और ईस्ट क्लियर हो गया अब बचा कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ तो चलिए देखते हैं इन द साउथ इट से इट्स बॉर्डर्स विथ अंगोला एंड जम्बिया साउथ के तरफ किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अंगोला एंड जम्बिया इन द नॉर्थ, इट इज बाउंडेड बाय सुडेन एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साउथ के नॉर्थ तरफ और कौन कौन सा है सुडेन एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक द कांगो बेसिन इज अज लो लाइंग जो एक कोंगो बेसिन है बहुत ही गहराई और बहुत ऊंचाई से गिरता है गहराई कहने का मतलब बहुत ही गहरा है दुनिया की सबसे बड़ी के बाद जो दूसरी नंबर पर नदी आती है वो यही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई हो सकती है इसमें आप यहाँ पर देखिए कितनी गहराई है यही है विक्टोरिया फॉल्स जो कॉन्गो कौंग, बेसिन के अंतर्गत आता है एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन इट्स थ्री साइड जो कॉन्गो बेसिन है वो तीन साइड से माउंटेन से घिरा हुआ यानी घाटियां हैं कॉन्गो बेसिन है बेसिन का मतलब हुआ दो पहाड़ों के बीच वाले जो हिस्सा है उसे हम घाटी कहते हैं कहा जा रहा है कि द कांगो बेसिन इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स इट्स थ्री साइड्स थ्री साइड्स से माउंटेन से घिरा हुआ है माउंट मर्घिरीटा इज द हाइस्ट पीक आर टू इट्स ईस्ट देखिए युगांडा जो है टू इट्स वेस्ट इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर आर बोरडी दी दस्ट वेस्ट वेस्ट युगांडा है बुरंडी है और तंजानिया है लेकिन रवांडा कहां पर है ईस्ट साइड में वेस्ट और ईस्ट क्लियर हो गया अब बचा कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ तो चलिए देखते हैं इन द साउथ इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ अंगोला एंड जम्बिया साउथ के तरफ किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अंगोला एंड जम्बिया इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय सुडेन एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक साउथ के नॉर्थ की तरफ और कौन कौन सा है स्वीडन एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक द कांगो बेसिन इज अ ह्यूज लो लाइंग जो एक कॉन्गो बेसिन है बहुत ही गहराई और बहुत ऊंचाई से गिरता है गहराई कहने का मतलब ही बहुत ही गहरा है दुनिया की सबसे बड़ी के बाद जो दूसरी नंबर पर नदी आती है वो यही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई हो सकती है इसमें आप यहां पर देखिए कितनी गहराई है यही है विक्टोरिया फॉल्स जो कॉन्गो कौंग, बेसिन के अंतर्गत आता है एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन इट्स थ्री साइड जो कॉन्गो बेसिन है वो तीन साइड से माउंटेन से घिरा हुआ यानी घाटियां हैं कॉन्गो बेसिन है बेसिन का मतलब हुआ दो पहाड़ों के बीच वाले जो हिस्सा है उसे हम घाटी कहते हैं कहा जा रहा है कि द कंगो बेसिन इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन इट्स थ्री साइड्स थ्री साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है माउंट मरगिरिटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रुवेंजरो माउंटेन रेंज माउंट मरघिटा जो है वो सबसे बड़ा चोटी है किसका रुवेंजो माउंटेन रेंज का अट मटाडी इन देश इन द वेस्ट, द रिवर ड्रेन्स इन टू द अटलांटिक ओशियन जो मटाडी वेस्ट में क्या है वेस्ट में मटालडी है रिवर का नाम है जो कहां पर जाके मिलता है अटलांटिक ओशियन में जाके अपना लास्ट ओरिजिन वो डिस्ट्रॉय कर लेता है अब हम जानने वाले हैं क्लाइमेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का क्लाइमेट कैसा है वही अब हम देखेंगे प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर हैव वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि इक्वेटर के पास जितनी भी जगह है वहां पर बहुत ही गर्मी होगा, होगी क्यों होगी क्योंकि सूरज की जो रेस है वो डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पर इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर भी जो मौसम है वो बहुत ही गर्म रहता है पूरे साल मॉर्निंग्स आर हॉट एंड ह्यूमिड सुबह में बहुत गर्मी और ह्यूमिड बहुत नमी रहती है एज द टेम्परेचर rises अस्टेडली अस्टेडली मतलब धीरे धीरे डार्क क्लाउड्स आर फाउंड बाई नून और दोपहर तक काले बादल छा जाते हैं रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल और इसकी वजह से बहुत ही ज़ोरों से वर्षा होती है बहुत तेज़ी से वर्षा होती है The annual रेनफॉल कैन बी मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर इन areas. जो रेनफॉल का ए रेंज है वो टू हंड्रेड सेंटीमीटर है कुछ इलाकों में टू हंड्रेड सेंटीमीटर से ज़्यादा भी है किस कहाँ पर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो में इवनिंग्स एंड नाइट्स आर जनरली कूल इवनिंग्स और नाइट्स में वहाँ पर ठंड रहती है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो ऑल्सो एक्सपीरियंस दाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ थंडर स्टॉम इन वर्ल्ड जो ये देश है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो यहाँ पर सबसे ज्यादा थंडर स्टॉम यानि बिजली की कड़कड़ाहट का अनुभव होता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली यहीं गिरती है अब हम देखने वाले हैं वेजिटेशन के बारे में यहाँ के वेजिटेशन कैसा है देखते हैं चलिए द हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ यहाँ का जो हॉट और वेट क्लाइमेट है कहाँ का वेट और हॉट क्लाइमेट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो का ये प्लांट ग्रोथ को बहुत ही प्रमोट करती है यहाँ पर जंगल बहुत विशाल रूप में रहती है क्योंकि यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है सही प्रकार में सूरज की रोशनी मिलती है इसलिए यहां पर बहुत ही घना जंगल होता है हेंस द लैंड इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट इसीलिए इस जमीन पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जंगल है द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट सेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम जो पत्ते हैं इस जंगल के वो एक ही समय में अपना सारे पत्ते गिराते नहीं हैं मतलब सारे पेड़ ए, पेड़ एक ही बार में झड़ते नहीं हैं मौसम के मौसम पेड़ के पत्ते जो होते हैं झड़ते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है एज द रिजल्ट दिस फॉरेस्ट आर एवर ग्रीन और इसलिए ऐसा नहीं होता है इसी की वजह से इस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम एवर हमेशा सालों साल हमेशा ये हरा भरा रहता है देखिए यही है एवर ग्रीन फॉरेस्ट ये देखिए हमेशा पूरे साल अगर आप आइएगा यहाँ पर तो आप हमेशा देखिएगा कि ये एवर ग्रीन है फॉरेस्ट जो है हमेशा ग्रीन है कभी भी पेड़ के पत्ते जो है एक साथ कभी झड़ते नहीं है हमेशा रहते हैं दीज ट्रीज आर जनरली वेरी वेरी विथ डेंस अंडर ग्रोथ मेकिंग द फॉरेस्ट डार्क इवेंट ड्यूरिंग द डे टाइम और ये जो पेड़ है इतने घने होने के कारण इतनी इतनी ग्रोथ है इन सब की इन्हीं की वजह से दिन के समय में भी फॉरेस्ट जो है बहुत डार्क दिख रहा है देखिए कितना घना जंगल है आपको जंगल के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा है इसी को कहेंगे डार्क डार्क फॉरेस्ट द ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज जो ये पेड़ है अब पेड़ से तो आप एक काम नहीं कर सकते हैं पेड़ के तो कई सारे उपयोग हम कर सकते हैं उनसे फल ले सकते हैं उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम घर बना सकते हैं उनकी लकड़ियों को जला हम ठंड में अपना गुजारा कर सकते हैं औी का बहुत सारे इस्तेमाल हैं पेड़ों के तो इन पेड़ों का इस्तेमाल रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं कौन लोग इंडस्ट्री के लोग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस मैंने कहा आपको कि पेड़ का इस्तेमाल कई जगह तरीक़ों से किया जाता है तो इंडस्ट्री को लो, लोग क्या करते हैं इस पेड़ को काटते हैं और उस लकड़ी को कमर्शियल पर्पस अपने इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट को और भी प्रोड्यूस करने के लिए एज अ कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं सम कॉमन ट्रीज आर सीडर महागोनी रबर कोकोनट बनाना एंड पाम ट्रीज कुछ देखिए अगर आपको नाम नेम करना होगा कि नेम ग्रीन फॉरेस्ट्स ट्रीज दैट्स आर कॉमन तो कौन कौन सा है देखिए नेम यहां पर सीडर महागोनी रबर कोकोनट बनाना एंड पाम ट्रीज ये कॉमन ट्रीज हैं जो आपको एवर ग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे अब हम देखने वाले वाइल्ड लाइफ के बारे में चलिए देखते हैं जानवरों का जीवन भी देखते हैं कैसे प्रकार के जानवर यहां पर रहते हैं दिस दिस डेंस फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो ऑल्सो सपोर्ट ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ एनिमल लाइफ ये जो घना जंगल है घना जंगल है किसका घना जंगल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो इसी देश का जो जंगल है जो एवरग्रीन रहता है हमेशा इसके पहले स्लाइड में हमने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट ए वाइल्ड वेरायटी ऑफ एनिमल लाइफ अब यहाँ पर ज्यादा जंगल होंगे तो जानवरों को छुपने के लिए तो एक बेहतर जगह होगा इसलिए यहाँ पर जानवरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है दे आर होम टू एनिमल्स लाइक चिम्पांजीस गोरीलास बबूंस एलिफेंट्स जेब्रास राइनासोरस स्नैक्स क्रोकोडाइल्स टाइगर्स एंड मोर ये जो जंगल है जैसे हम हम लोग का घर कौन सा है जिसमें आप रहते हैं आपके ईट के मकान हैं वही आपका घर है लेकिन जानवरों के लिए जंगल जंगल ही तो उनका घर है तो यहाँ पर ये सारे जानवर रहते हैं वो अपने घर के समान इसे ट्रीट करते हैं और यहीं पर रहते हैं द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन द इंडियन एलिफेंट्स यहाँ पर जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं किसके मुकाबले इंडियन एलिफेंट्स जो हमारे भारत में एलिफेंट पाए जाते हैं उनके मुकाबले यहाँ के एलिफेंट्स बहुत ही बड़े होते हैं देखिए यहां पर तो आप चिंपांजी, गोरिलास एलिफेंट जेबरस रायनासोरस स्नेक्स क्रोकोडाइल टाइगर इन सब का इमेज आप जानते हैं कि कैसा होता है कहीं ना कहीं आपने देखा है या फिर जू वगैरह में या फिर फोटोस में देखा है बबूंस आपके लिए एक नया है तो देखिए बबूंस ऐसे होते हैं ये रहा स्पेशल मैमल मैमल किसे कहते हैं मैमल उसे कहते हैं जो अंडा नहीं देता है कॉल्ड ओकाइपी, विथ हर्ड अ जिराफ एंड बॉडी अ अबरा इज ऑल्सो फाउंड इन कॉन्गो फॉरेस्ट एक ऐसा मैमल है जिसका नाम क्या है ओकापाई जिसका जो शरीर सिर है हेड, हेड जो है वो किसके जैसा है जिराफ के जैसा और जो बॉडी स्ट्रक्चर है यानी बॉडी किसके जैसा है जीबरा के जैसा ये ऐसा एक जानवर है जिसका सिर जो है जिराफ के जैसा है और शरीर किसके जैसा है जीब्रा के जैसा तो इस जानवर को क्या कहेंगे हम ओका पाई जो कहाँ मिलता है कोंगो के जंगलों में द इसका इमेज आप हम देखते हैं कैसा है देखिए ओका पाई यही है देखिए आप देख सकते हैं इसका जो इमे सिर है ये किसके जैसा है जीराफ के जैसा और इसका जो शरीर है वो जेबरा के जैसा जैसे आप यहाँ पर लाइन पारे पारे हुए दे सकते हैं जेबरा में भी वैसा ही रहता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दी कॉन्गो पिकॉक वन ऑफ दी मोस्ट कलरफुल बर्ड्स इज फाउंड ओनली इन जायरा जो कांगो पिकॉक है पिकॉक है पिकॉक कांगो पिकॉक कहने का मतलब क्या हुआ ये कांगो में पाया जाता है इसलिए इसका नेम क्या है कांगो पिकॉक वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल बर्ड्स ये दुनिया की सबसे कलरफुल बर्ड्स में मा, माना जाता है इसे जो सिर्फ कहाँ मिलता है जायरा में जायरा कहाँ जायरा एक पुराना नाम है किसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इसका मतलब कॉन्गो में ही ये कांगो पिकॉक पाया जाता है अब हमने उनके जानवरों के बारे में पढ़ लिया वेजिटेशन के बारे में पर, पढ़ लिया लैंड के बारे में पढ़ लिया अब हम वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो इज अबाउट फाइव करोड़ जो पॉपुलेशन है कहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो वहाँ पर फाइव करोड़ है तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इट इज फाइव करोड़ द पीपल जनरली हैव डार्क कंप्लिकसन विथ शॉर्ट करली हेयर यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली काले होते हैं बहुत काले होते हैं क्यों काले होते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है इक्वेटर के पास और इक्वेटर के पास सिचुएटेड है तो इसका मतलब कि सन की रेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी तो इसी की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो डार्क होते हैं और इनके जो बाल होते हैं वो करली टाइप के होते हैं ये लोगों के बारे में एक जानकारी हुई अगर आपको आ सकता है एग्जाम में कि वाट आर दाट आर दी वेस्ट इन विच पीपल लिव या फिर गिव द कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ द पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो तो आपको क्या बोलना है द पीपल लिव इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो आर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन एंड हैव शॉर्ट करली हेयर दो बातें आपको यहाँ से पता चलती हूँ वहां के लोगों के बारे में कि वे काले होते हैं और उनके बाल जो है करली होते हैं अब देखते हैं आगे क्रिस्टनिटी क्रिस्टनियाटी इज द रिलीजन फॉलोड बाई एटी परसेंट वहां के जो लोग हैं एटी परसेंट लोग क्रिश्चियन हैं टोटल पॉपुलेशन 100 परसेंट उसमें से 80 परसेंट जो है वो क्रिश्चियन है ऑफ द पॉपुलेशन वाइल द रिमेनिंग आर मुस्लिम और बाकी जो बचे वो कौन से है मुस्लिम है यानी 80 परसेंट कौन सा है क्रिश्चियन है और 20 परसेंट कौन सा है मुस्लिम है फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री और इस देश में कौन से देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंच भाषा दी पीपल जनरली डो नॉट वेयर मेनी क्लॉथ ओनिंग टू दी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है इसलिए लोग उतना कपड़ा यहाँ पहनते नहीं है सिर्फ ढक के रहते हैं अपने शरीर को क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होगी अगर हमारे जैसे लोग जैसे हम यहाँ भारत देश में पहनते हैं कपड़ा वैसे वहाँ पर नहीं पहनते हैं लोग क्यों क्योंकि अगर उतना अगर उतना वो लोग पहनेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उनको पहना नहीं जाएगा बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होगा इसलिए लोग बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं वहाँ पर कहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कॉन्गो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है देखिए वहाँ के लोग देखिए ये लोग कैसे कपड़े पहने हुए हैं हमारी तरह नहीं है सिर्फ एक अपने शरीर को ढका हुआ है देखिए सब काले लोग हैं और इन सब का हेयर जो है करली है तो दो करेक्टर आपको पता चलता है इसमें कि यहाँ के लोग काले होते हैं और इनके बाल जो होते हैं करली होते हैं और ये कैसी भाषा बोलते हैं फ्रेंच भाषा मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइबल्स लिविंग इन स्मॉल विलेज ज़्यादातर लोग इसमें ट्राइबल्स लोग हैं जो छोटे गाँव में रहते हैं अमोंग द ट्राइब्स द बंटू ट्राइब इज़ वेरी फेमस सारे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं यहाँ पर पिछड़े जनजातियाँ लेकिन बंटू ट्राइब जो है ये बहुत ही मशहूर है इन जनजातियों में द ट्राइबल्स फॉलो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज और ये जो ट्राइबल है वो अपना ही ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं वो अपना ही नियम कानून सब फॉलो करते हैं और यहाँ के लोग अपने ही भाषा में ज़्यादातर लोग अपने भाषा में अपने ही ट्राइबल्स ट्रेडिशन के अनुसार ही जीना पसंद करते हैं द पिजिम्स लिविंग इन द डीपर फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो आर ए प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप अब एक देखिए नया ट्राइब है वहां पर हमने पढ़ा सबसे फेमस ट्राइब कौन सा है वन टू ट्राइब्स अब यहाँ पर पिजिम्स ये जो है घने जंगलों के बीचों बीच में रहते हैं कॉन्गो में जो जग, घने जंगल है एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ के बीचों बीच में घने जंगलों में छिप कर ये रहते हैं पिजिम्स आर ए प्रमेटिव ट्राइबल ग्रुप प्रिमेटिव कहने का मतलब वो पुराने दे आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड और यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो दुनिया में सबसे बौने कद के होते हैं विथ एन एवरेज हाइट नॉट एक्सीडिंग फाइव फीट ज़्यादातर जो लोग हैं वो फाइव फीट से कम ही रहते हैं यानी फाइव फीट कहने का मतलब हुआ वन फिफ्टी सेंटीमीटर दुनिया में सबसे कम कद वाले लोग कहाँ रहते हैं कोंगो में उनका ट्राइब्स का नाम क्या है पिजिम्स दे आर गुड हंटर्स एंड जनरली लीड अ नोबेडिक लाइफ मूविंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड जो ये पिजिम्स लोग हैं ये बहुत ही अच्छे हंटर्स होते हैं हंटर्स कहने का मतलब हुआ कि जंगलों में रहकर जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं और ये नोमेडिक लाइफ जीते हैं नोमेडिक लाइफ मैंने जुब जंतु घुमंतु जिसे कहेंगे नोमेडिक जो जनरली अपना खाना उसी जंगल में रहकर शिकार करते हैं और खाते हैं शिकार करते हैं और खाते हैं और अपनी जगहों को चेंज करते रहते हैं उसी जंगल में उन्हें हम कहेंगे किसकी वजह से करते हैं फूड की वजह से तो इस जनजाति को हम क्या कहेंगे पिजिम्स अब हम देखें फूड एंड क्रॉप्स यहाँ के लोग खाते क्या हैं और उपजाते क्या हैं? क्या कैसा वेजिटेशन है चीफ कैश क्रॉप्स आर कॉफी रबर टी कोका शुगर एंड पाम यहाँ के जो मेन कैश क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सा है कॉफी है रबर है टी कोका शुगर एंड पाम याम एंड पोटैटो आर also cultivated इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ सेंट्रल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ the Congo. याम याम एक प्रकार का जड़ है जो इस जंगलों में मिलता है जंगलों में मिलता है यम और इसे एक वेजिटेबल के रूप में हम वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है पोटैटो और यम इन दोनों का नाम है जो फॉरेस्ट में ही उपजाया जाता है कहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कॉन्गो राइस इज ग्रोन मेनली इन द रीजन हैविंग ग्रेटर ह्यूमिडिटी जो चावल है ज़्यादातर वहाँ पर उपजाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है नमी होती है ज़्यादा ज़्यादा वहीं पर चावल को उपजाया जाता है बनानस एंड कसावा आर ग्रोन इन दी इंटायर कॉन्गो बेसिन और बनाना एंड कसावा ये कॉमन है पूरे कॉन्गो बेसिन में इसे उपजाया जाता है बनाना तो आप जानते हैं कसावा नहीं जानते देखिए कसावा कैसा होता है इसे ही हम कहते हैं कसावा कसावा इज द हस्टेबल फूड ऑफ द पीपल ये जो है स्टेपल फूड की तरह काम करता है वहाँ के लोगों के लिए कहाँ के लोगों के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ दंगो के लिए वहाँ के स्टेपल फूड की तरह ये इस्तेमाल होता है अब हम देखने वाले हैं मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कॉन्गो लीड्स वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड डायमंड्स जो ये देश है इसकी वजह से हम दुनिया में ये बहुत प्रोडक्शन करती है किस चीज़ का कोबाल्ट और डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसकी वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो देश में होता है बिसाइड्स दिस इट इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक जिंक कॉपर गोल्ड टीन एंड रेडियम और इसके अलावा इस देश में बहुत मात्रा में आपको मिलेगा जिंक कॉपर गोल्ड टीन एंड रेडियम बहुत ही मात्रा में आपको कहाँ मिल सकता है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो में द मेन इंडस्ट्रीज आर प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर मेन इंडस्ट्री है वो इसी मिनरल्स को प्रोसेस करते यानी रिफाइन करती हैं एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जंगल हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं एक वो मिनरल प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सम अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर ऑफ टेक्सटाइल्स सीमेंट सिगरेट्स ऑयल्स एंड फूड प्रोसेसिंग कुछ और भी इंडस्ट्रीज हैं जो टेक्सटाइल को प्रमोट करती हैं सीमेंट को सिगरेट्स को ऑयल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इन दी फास्ट फ्यू ईयर्स दिस इंडस्ट्रीज हैव ग्रोन रैपिडली। और कुछ पिछले सालों में ये इंडस्ट्री जो हैं टेक्सटाइल सीमेंट सिगरेट वगैरह की ये बहुत तेजी से ग्रो की हैं रेपिडली कहने का मतलब हुआ बहुत तेज़ी से ग्रो करना गुड्स आर जनरली एक्सपोर्टेड एक्सपोर्टेड फ्रॉम खिनसासा दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ दी डेमोक्रेटिक ऑफ़ दी कांगो एज वेल एज दी वन ऑफ़ दी चीफ पोर्ट्स यहाँ से जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है खिनसासा से जो क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ दी कॉन्गो का सबसे बड़ा शहर कौन सा है खिन्सासा और इसकी राजधानी क्या है खिन्सासा और ये एक बहुत ही मेजर पोर्ट के रूप में भी काम आता है यहीं से सारे जो गुड्स हैं इस देश के वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं अब हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर आर स्टिल नॉट वेल डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो यातायात और वार्तालाप करने के लिए अभी भी वहाँ पर सही प्रकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स यहाँ पर शिप्स वगैरह और मैंने आपको बताया शिप्स नहीं पार होती हैं क्योंकि वाटर फॉल्स आ जाते हैं बीच में और कम्युनिकेशंस वो जंगली इलाका है पूरा जंगल ही है इसी की वजह से वहाँ टावर लगाना बहुत ही मुश्किल है ड्यू टू इट्स डेंस फॉरेस्ट मैंने कहा ना उसके जंगल की वजह से ही वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है जंगल में आप जाइएगा तो आपको टावर नहीं पकड़ेगा आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं इसलिए कम्युनिकेशन वहाँ पर बहुत मुश्किल से होता है थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कॉन्गो रिवर इज़ नॉट निविजिबल एट मेनी प्लेसेज़ अब आई ट्रांसपोर्ट की बात तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए लेकिन कॉन्गो रिवर जो है वहाँ पर नेविजिबल नहीं है क्यों क्योंकि वाटर फॉल्स आ जाती हैं बीच में तो जहाज़ों का आना जाना बहुत ही मुश्किल है खिनसासा इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट एंड मटाडी इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट खिनसासा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर पोर्ट है वहाँ पर और मटाडी इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट और ये द, ये जो इमेज आप देख रहे हैं मटाडी का है ये सबसे बड़ा सी पोर्ट है बिगेस्ट रोडवेज एंड रेलवेज हैव ऑल्सो डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर और कुछ सालों में धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पर पहुँच रही है रोडवेज और रेलवेज का डेवलपमेंट भी हो रहा है अब हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के नेविजिएबल एबल टू बी यूज बाय बोट्स एंड शिप्स शिप्स और बोट्स के द्वारा आसानी से आप किसी भी सी पर जा सकते हैं रिवर बेसिन एन एरिया ड्रेंड बाय अ रिवर रिवर बेसिन कहने का मतलब एक जगह जहाँ पर सारी रिवर की जो पानी है वो एक जगह गिरती है फ्रीक्वेंसी द रेट एट विच समथिंग अकर्स यम द ट्यूबर ऑफ ए ट्रॉपिकल प्लांट यूज एज वेजिटेबल जड़ ट्रॉपिकल प्लांट ट्यूबर कहने का मतलब वह जड़ हुआ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किस लिए कहेंगे उसे क्योंकि वो इक्वेटर के पास लाइक करता है और यहाँ के जो जड़ की जड़ में आपको मिलेगा उस जड़ को ही यहाँ के लोग वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं खसावा आस्ट्रेचरी रूट्स ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट यूज एज फूड और एक खासावी है जो है ये फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रीमिटिव ऑफ द अर्लीस्ट टाइम बहुत पुराने ज़माने के इट्स अ फैक्ट अब हम फैक्ट देखेंगे एक फैक्ट है दी ओका पाई फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो जो जो ओकापाई जानवर है वो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है कहाँ किसके नॉर्थ ईस्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो के हैज अ स्ट्रिप्ट मार्किंग्स लाइक द जेबरा एंड द हेड इज सिमिलर टू द जीरा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर में दिया था ये जो ओकापाई है इसका जानवर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो जीबरा की तरह है और जो सिर है वो किसकी तरह है जिराफ की तरह दी ओकापाई एंड दी जिराफ बोथ हैव वेरी लॉन्ग और जो जिराफ है और ओकापाई है ये दोनों का सिर जो है बहुत ही बड़ा रहता है फ्लेक्सिबल ब्लू टंग्स और इसके जो है फ्लेक्सिबल ब्लू टंग्स है uh, इसके जो टंग है जीव जो है वो ब्लू कलर का है द टंग ऑफ द ओकापाई इज लॉन्ग इनफ फॉर द एनिमल टू वॉश इट्स आईलेट्स एंड क्लीन इट्स ईयर्स जो ये वो कपाई का, का जो जीभ है वो इतना लंबा है कि कोई भी जानवर उसे अपनी आँखें और कान को आसानी से साफ़ कर सकता है इन इट इज़ दी ओनली मैमल दैट कैन लिक इट्स ओन ईयर्स और ये एक फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए यहाँ पर ये ही एक दुनिया में एक ऐसा मैमल है जो अपने टंग से अपने ईयर्स को लिक कर सकता है छू सकता है अब हम पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं अब फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं इसकी समरी देखते हैं द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यू टू इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन यहाँ का जो मौसम कैसा है हॉट एंड वेट है किसकी वजह से क्योंकि ये इक्वेटोरियल लोकेशन में लाई करता है इट इज़ बाउंडेड बाई नाइन अदर कंट्रीज़ ये नौ अलग अलग देशों से घिरा हुआ है इट हैज डेंस एवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है अलग अलग प्रकार के जानवर भी रहते हैं पिजिम्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो अ दिमिटिव ट्राइबल ग्रुप आर द शॉर्टेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड इस देश में एक ट्राइबल पाया जाता है पिजिम्स जो दुनिया का सबसे छोटे कद के लोगों को कैरी करता है दुनिया के सबसे छोटे लोग कौन से ट्राइब में आएंगे पिजिम्स पिजिम्स कहाँ पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मटाडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट मटाडी जो है वो बिगेस्ट सी पोर्ट है और खिन्सासा लार्जेस्ट सिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो लार्जेस्ट सिटी कौन सा है खिनसासा और बिग्गेस्ट सी पोर्ट कौन सा है मटाडी थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कोई भी प्रकार की दिक्कत आई हो या फिर कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम उसे श्योर रिप्लाई करेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग शेयर योर वीडियो थैंक यू